पढ़ेंगे यहाँ पर ऑर्थोपेडिक के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है सी डी एच, जिसको अपन कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, दिस प्लास्टिक हिप एंड कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कहते हैं। इसके ऊपर अपन एक वीडियो पहले बना चुके हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि सी डी एच क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, ये सब अपन पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सी डी एच का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर अपन इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके ट्रीटमेंट्स के अंदर आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ रिडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन, एसिटाबुलम रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड ट्रीटमेंट प्लान। तो अपन एक बार फिर देख लेते हैं कि सी डी एच क्या होता है। तो दिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस डिसलोकेशन ऑफ द हिप अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड शॉर्टली आफ्टर बर्थ। तो सी डी एच जो डिजीज़ होती है ना, इसके अंदर जो हिप होता है वो अपनी जगह से डिसप्लेस्ड हो जाता है, मतलब उसका डिसलोकेशन हो जाता है हिप का। जो हिप का हिप जॉइंट किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो फीमर के हेड से और एक एसिटाबुलम से। तो जो एसिटाबुलम का जो हेड होता है ना, वो अपनी जगह से निकल जाता है एसिटाबुलम से, जिसको अपन डिसलोकेशन ऑफ हिप कहते हैं। तो ये अपन को देखने को मिलता है, ज़्यादातर अपन को बच्चों में देखने को मिलता है, या तो बर्थ से पहले हो सकता है, या बर्थ के तुरंत बाद हो सकता है, या फिर बर्थ के टाइम भी ये अपन को देखने को मिल सकता है। तो जब अगर मान लो हिप का डिसलोकेशन हो जाता है इन तीनों स्टेज में, तो उसको अपन कहते हैं कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो अपन ने पहले इसका डायग्राम भी देखा था कि किस तरह से इसका डिसलोकेशन होता है। ये एसिटाबुलम यहाँ पर होता है, तो ये हेड यहाँ पर आ जाता है, इसका बाहर निकल, फिर यहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो अपन आज यहाँ पर पढ़ेंगे इसका ट्रीटमेंट। अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सी डी एच का ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर आता है यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, जो अपना ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम इज़ टू अचीव रिडक्शन ऑफ द हेड इन टू द एसिटाबुलम एंड मेंटेन इट अंटिल द हिप बिकम क्लिनिकली स्टेबल एंड अ राउंड एसिटाबुलम कवर्स द हेड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, इसका एम ये है कि रिडक्शन को अचीव करना। अब रिडक्शन जो है उसका, तो रिडक्शन अपन को किस चीज़ का करना है, रिडक्शन अपन को करना है फीमर के हेड का एसिटाबुलम के अंदर, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, जो फीमर का हेड होता है ना, वो एसिटाबुलम के अंदर फिक्स होता है। तो सी डी एच के अंदर जो फीमर का जो हेड होता है ना, वो बाहर निकल जाता है, तो अपन को उसको रिड्यूस करना होता है, उसका रिडक्शन करना होता है। रिडक्शन करने के बाद उसको मेंटेन करके रखना होता है, जब तक कि जो हिप है वो वहाँ पे क्लिनिकली स्टेबल ना बन जाए और राउंड एसिटाबुलम जो है वो हेड को कवर ना कर लें, क्योंकि जो एसिटाबुलम होता है ना, राउंड होता है और उसके वहाँ पर फीमर का हेड होता है। ठीक है, तो अपन को ये एक एम है कि अपन को रिडक्शन करना है और उसको स्टेबल बना के रखना है, जब तक कि जो एसिटाबुलम है वो हेड को कवर ना कर ले राउंड शेप में। इन मोस्ट केसेस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द हिप बाय क्लोज मीन्स, इन सम एंड ओपन रिडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो अपन रिडक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो रिडक्शन यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है, या तो क्लोज रिडक्शन हो सकता है या फिर वो ओपन रिडक्शन हो सकता है, क्लोज रिडक्शन या फिर ओपन रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन का मतलब है यहाँ पर अपन किसी तरह की ऑपरेशन नहीं करना, सर्जरी नहीं करनी, अपन क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं, मतलब बाहर से अपन उसका रिडक्शन कर सकते हैं हिप जॉइंट का। और ओपन रिडक्शन के अंदर अपन को यहाँ पर ऑपरेशन या फिर सर्जरी करनी पड़ सकती है उसका रिडक्शन करने के लिए, मतलब फीमर के हेड को एसिटाबुलम के अंदर स्टेबल करने के लिए अपन को ओपन रिडक्शन की जरूरत पड़ सकती है कुछ कुछ केस के अंदर, दोनों के केस अलग अलग होते हैं। वंस द हेड इज़ इनसाइड द एसिटाबुलम इन यंगर चिल्ड्रन अंडर द मोल्ड लाइक इफेक्ट ऑफ द हेड इट डेवलप्स इनटू अ राउंड एसिटाबुलम। तो कुछ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब एक बार हेड जो हेड होता है हेड एसिटाबुलम के अंदर चला जाता है, तो यंगर चिल्ड्रंस में ये तो हेड के मोल्ड जैसे इफेक्ट के कारण यह राउंड एसिटाबुलम में डेवलप हो जाता है। ठीक है, यंग चिल्ड्रंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो यंग चिल्ड्रंस के अंदर क्या होगा ना, जो हेड है एसिटाबुलम के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर धीरे धीरे वो डेवलप हो जाएगा और वहाँ पर राउंड एसिटाबुलम वो बन जाएगा मोडुल लाइक इफेक्ट के कारण। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ रिडक्शन हैज़ बीन डिलेड फॉर मोर देन टू ईयर्स एसिटाबुलम रिमॉडलिंग मे नॉट अकर इवन आफ्टर द हेड इज़ रिड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वहाँ पर तो बताया गया था यंग चिल्ड्रंस के अंदर, यहाँ पर बताया गया है टू ईयर्स के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है,
लेकिन मान लो अगर रिडक्शन जो अपन कर रहे हैं वो रिडक्शन 2 ईयर से ज़्यादा डिले हो जाता है, मतलब अपन ने 2 ईयर तक उसका रिडक्शन नहीं किया, उसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर 2 साल से ज़्यादा डिले हो जाता है तो लॉन्ग टर्म तक भी हेड को एसिटाबुलम के अंदर रखने के बाद भी उसकी रिमॉडलिंग नहीं हो पाती, मतलब अपन उसका रिडक्शन कर दें 2 ईयर्स के बाद भी, तो उसकी रिमॉडलिंग है ना वो टाइम पे नहीं हो पाएगी। हाँ, तो फिर अपन को इस केस के अंदर क्या करना होगा ना, अपन को इस केस के अंदर सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन कराना पड़ेगा एसिटाबुलम का, एसिटाबुलम में भी रिक्वायर्ड। तो सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होता है वो अपन आगे देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि रिकन्स्ट्रक्शन प्रोसीजर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर तो अपन ने देख लिया, अगर 2 ईयर से ज़्यादा का कोई बच्चा है तो उसके अंदर डिले हो जाएगा मान लो रिडक्शन, तो ठीक से रिमॉडलिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर अपन यंगर चिल्ड्रंस के अंदर कर देते हैं तो उसकी रिमॉडलिंग वहाँ पर अपन को देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मेथड ऑफ रिडक्शन, जो कि अपन ने देखा था कि अपन ट्रीटमेंट में यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, उसके बाद मेथड ऑफ रिडक्शन कि रिडक्शन अपन यहाँ पर किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी अपन ने देखा था कि अपन क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं या फिर ओपन रिडक्शन कर सकते हैं, अभी जस्ट इसके पहले अपन ने देखा। तो यहाँ पर भी ये है क्लोज मैनिपुलेशन है, उसके बाद यूनिलेटरल केस और बाइलेटरल केस है, ट्रैक्शन फॉलोड बाय क्लोज मैनिपुलेशन एंड ओपन रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तरीके से मेथड बताए गए हैं, वहाँ पर अपने 2 देखे, यहाँ पर अपन 4 देखेंगे। तो मेथड ऑफ रिडक्शन के अंदर आता है फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिडक्शन में भी यूज्ड, तो यहाँ पे 4 बताए गए हैं, तो इनमें से अपन कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं केस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोज मैनिपुलेशन, सेकेंड है यूनिलेटरल केस और बाइलेटरल केसेस, उसके बाद थर्ड है ट्रैक्शन फॉलोड बाय क्लोज मैनिपुलेशन, मतलब क्लोज मैनिपुलेशन के साथ ट्रैक्शन अपन यहाँ पे देंगे। उसके बाद आता है ना ओपन रिडक्शन, ओपन रिडक्शन लास्ट में आता है, अगर मान लो ये तीनों फेल हो जाते हैं तो उसके बाद अपन यहाँ पर ओपन रिडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्लोज मैनिपुलेशन, तो क्लोज मैनिपुलेशन अपन किस तरीके से करेंगे, इट इज़ समटाइम पॉसिबल इन यंगर चिल्ड्रंस टू रिड्यूस द हिप बाय जेंटल क्लोज मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पर अपन क्लोज मैनिपुलेशन से क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर अपन रिडक्शन कर रहे हैं फिमर के हेड का एसिटाबुलम के अंदर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कभी कभी यंगर चिल्ड्रंस में जेंटल एनेस्थीसिया के साथ जेंटल क्लोज मैनिपुलेशन से हिप का रिडक्शन करना पॉसिबल हो सकता है, मतलब अपन यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया देंगे बच्चे को, उसके बाद अपन यहाँ पर जेंटल क्लोज मैनिपुलेशन करेंगे, जेंटल करना है, जेंटल क्लोज मैनिपुलेशन करेंगे से जो रिड्यूस हो जाएगा और ये पॉसिबल हो जाएगा अपना क्लोज मैनिपुलेशन, मतलब उसका रिडक्शन रिडक्शन जो अपन कर रहे हैं वो ठीक से हो जाएगा जेंटल क्लोज मैनिपुलेशन के साथ भी। उसके बाद यहाँ पर आता है ये तो अपन ने बात की थी यहाँ पर यंगर चिल्ड्रंस के अंदर, क्योंकि अपन ने यहाँ पर पहले भी बात की थी, अगर यंगर चिल्ड्रंस के अंदर अपन जल्दी कर देते हैं तो वो ठीक से रिमॉडलिंग हो जाती है और वो उसके अंदर स्टेबल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है इन यूनिलेटरल केसेस रिड्यूस मे बी अटेम्प्टेड टिल 10 ईयर्स ऑफ एज एंड 8 ईयर इज बाइलेटरल केसेस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यूनिलेटरल केस में 10 ईयर्स के एज तक और बायलेटरल केस में 8 ईयर तक तक की जो एज होती है ना उसमें रिडक्शन को अटेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब यूनिलेटरल केस में तो अपन करेंगे 10 ईयर्स तक और बायलेटरल केस में अपन करेंगे 8 ईयर्स तक, ओके रिडक्शन। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रैक्शन फॉलोड बाय क्लोज मैनिपुलेशन, तो अपन यहाँ पे क्लोज मैनिपुलेशन के साथ ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। इन केसेस वेयर द मैनिपुलेटिव रिडक्शन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ फोर्स और इफ इट फेल्स द हिप इज कीप्ड इन ट्रैक्शन फॉर सम टाइम एंड इज प्रोग्रेसिवली अबडक्टेड। एज दिस इज डन इट मे बी पॉसिबल टू रिड्यूस द फिमोरल हेड इजिली अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ट्रेक्शन फॉलोड बाई क्लोज मैनिपुलेशन के अंदर, तो जो इन केस में जहाँ पर मैनिपुलेटिव रिडक्शन की ज़रूरत होती है तो वहाँ ग्रेटर फोर्स के साथ डील करना होता है, अपन को यहाँ पर ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मान लो यह फेल हो जाता है तो हिप को कुछ टाइम के लिए ट्रैक्शन में रखा जाता है, हिप को अपन ट्रैक्शन में रखेंगे, तो मतलब मान लो अपने उसको ट्रैक्शन में रख दिया है और तो फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोग्रेसिवली अबडक्टेड कर दिया जाता है इसको,
ठीक है। फिर तो उसके बाद जैसे जैसे मतलब जैसे ही ये किया जाता है ना, ये प्रोसेस अपन ने कर लिया, उसके बाद जनरल एनेस्थीसिया अपन यूज़ करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया क्या, जनरल एनेस्थीसिया के साथ फेमोरल हेड को इजीली अपन यहाँ पे रिड्यूस करना पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या किया कि जब अपन यहाँ पे मैनिपुलेटिव रिडक्शन का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर अपन को ग्रेटर ग्रेटर फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मान लो अगर ये फेल हो जाता है, तो यहाँ पर अपन हिप को जो है ना उसको ट्रैक्शन में रखते हैं और फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, एंड इज़ प्रोग्रेसिवली अबडक्टेड, और उसको अबडक्टेड करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर अपन इसको रिड्यूस करने के लिए फिर जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद फेमोरल हेड को इजीली उसको एसिटाबुलम के अंदर रिड्यूस करना पॉसिबल हो जाता है। एंड अबडक्टा टेनोटोमी इज ऑफ्टन नेसेसरी इन सम केसेस टू अलाउ द हिप टू बी फुली अबडक्टेड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो हिप को पूरी तरह से अबडक्टेड करने को अलाउ करने के लिए कुछ केस में यहाँ पर अपन को टेनोटोमी भी करनी पड़ सकती है, और ये नेसेसरी होता है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ आता है ओपन रिडक्शन। तो ओपन रिडक्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज इंडिकेटेड इफ़ क्लोज रिडक्शन फेल। तो अपन ये कब करते हैं, जब मान लो अपन जब क्लोज रिडक्शन कर रहे हैं, अगर वो फेल हो जाता है, तो उसके बाद अपन यहाँ पर ओपन रिडक्शन करते हैं। लेकिन अपन पहले कोशिश क्या करते हैं कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक अपन क्लोज रिडक्शन करने की कोशिश करें, क्योंकि ओपन रिडक्शन के अंदर यहाँ पर अपन को सर्जरी ऑपरेशन करना पड़ता है, पूरे पार्ट को खोलना पड़ता है, उसके बाद ही होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन कुड बी इस प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ इन द एसिटाबुलम और अ फोल्ड ऑफ कैप्सूल एंड एसिटाबुलर लेब्रम बिटवीन द फेमोरल हेड एंड द सुपेरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। तो यहाँ पर ये लिखा होगा कि जो क्लोज रिडक्शन है वो फेल क्यों होता है इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर अपन सी डी एच पढ़ रहे हैं। तो अपन ने पहले की वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वो आप जाके देखना, कि जो इस तरह से अपन को सीरियस की पैथोलॉजी देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन को फाइब्रोफैटी टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं, और जो उसका हेड है वो इस तरह से होता है, और यहाँ पर इन्वर्टेड लिम्बस बने हुए होते हैं। ठीक है, तो जब अपन इसको रिड्यूस करते हैं ना, तो ये सब ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया है, रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ क्लोज रिडक्शन कुड बी इज प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोफैटी टिश्यूज़। तो यहाँ पर कुछ रीजन्स बताए हुए हैं जिस कारण से क्लोज रिडक्शन वो फेल हो जाता है। तो कौन कौन से यहाँ पे कॉज है, एक तो है फाइब्रोफैटी टिश्यूज़, अपन ने देखे थे वहाँ पर एसिटाबुलम में, उसके बाद फोल्ड ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के जो फोल्ड होते हैं ना वो, उसके बाद है यहाँ पर एसिटाबुलर लेब्रम बिटवीन द फेमोरल हेड एंड द सुपेरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। तो सुपेरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम मतलब एसिटाबुलम के सुपेरियर पार्ट पर और फेमोरल हेड पर के बीच में यहाँ पर अपन को एक एसिटाबुलम लेब्रम देखने को मिलता है, जिस कारण से भी ये जो फेल हो जाता है क्लोज रिडक्शन अपन जो करते हैं वो। तो यहाँ पर अपन ने तीन देखा, एक तो फाइब्रोफैटी टिश्यूज एक रीज़न है, उसके बाद फोल्ड ऑफ कैप्सूल के जो फोल्ड है वो एक रीज़न है, उसके बाद एसिटाबुलम लेब्रम भी एक कोज है जिस कारण से मतलब एक रीज़न है जिस कारण से क्लोज रिडक्शन जो है वो फेल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है, इन सच सिचुएशन द हिप इज एक्सपोज द सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्टिंग द हेड एक्साइज एंड रिलीज एंड द हेड रिपोजिशनिंग इन द एसिटाबुलम। तो फिर इस सिचुएशन में अपन को क्या करना होता है, तो इस सिचुएशन में हिप को एक्सपोज किया जाता है, सॉफ्ट टिश्यूज जो हेड को एक्साइज और रिलीज करने में ऑब्स्ट्रक्ट मतलब जो बाधा डालते हैं उनको हटाया जाता है, और हेड को एसिटाबुलम के अंदर रिपोजिशनिंग कर दिया जाता है, मतलब वापस उसको वहाँ पर लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन। जो अपन रिडक्शन कर रहे हैं इसको अपन मेंटेन किस तरह से करेंगे, इसका मेंटेनेंस। तो रिडक्शन अपन ने देख लिया, चार तरीके से अपन कर सकते हैं, उसके बाद अपन को इसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा, इसके ट्रीटमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ ली, इसका मेथड ऑफ रिडक्शन पढ़ लिया। अब जो रिडक्शन क्या है इसका मेंटेनेंस के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो इसके मेंटेनेंस के अंदर लिखा हुआ है, वंस द हिप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय क्लोज्ड और ओपन मेथड, फॉलोइंग मेथड्स मे बी यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द हेड इनसाइड द एसिटाबुलम। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको जो अपन ने रिडक्शन किया है इसको मेंटेन करने के लिए, वंस द हिप हैज़ बीन रिड्यूस, अगर एक बार जब अपने हिप को रिड्यूस कर दिया है क्लोज या ओपन मेथड किसी भी मेथड से, अपन ने जब एक बार उसको इसका रिडक्शन कर दिया है मान लो हिप जॉइंट का, तो उसके बाद इसको मेंटेन करना होता है। तो मेंटेन अपन इसको किस तरह से कर सकते हैं, उसके मेथड से यहाँ पर
तो यहाँ पर मेथड्स के अंदर दिया हुआ है, एक तो प्लास्टर कास्ट सबसे पहले आता है, तो अपन वहाँ पर प्लास्टर कास्ट लगा सकते हैं ताकि उसका जो डिडक्शन है वो वहाँ से हिले ना, वापस डिसलोकेट फिर से ना हो जाए। तो इसके लिए अपन यहाँ पर फोग लेग और बेचलर कास्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्लिन का, अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं सम फॉर्म ऑफ स्प्लिन सच एज वॉन वर्सन स्प्लिन का अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्सटर्नल स्प्लिंट मे बी रिमूव्ड वंस द एसिडबुलम डेवलप टू द राउंड शेप। अगर मान लो यहाँ पर जो अपन ने स्टेलन स्प्लिंट लगाया है उसको अपन रिमूव कर देंगे जब एक बार जो एसिडबुलम है वो राउंड शेप के अंदर डेवलप हो जाता है, मतलब ये सब ठीक हो जाएगा, मतलब जो एसिडबुलम है ठीक से डेवलप हो जाएगा, तो अपन एक्सटर्नल जो स्प्लिंट अपन ने लगाया ना उसको अपन रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है द हिप इज नॉट मोबिलाइज्ड नाउ मोबिलाइज एंड कीप अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर ऑफ एनी रिकरेंस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जब मान लो एक बार हिप जॉइंट के सारे मूवमेंट्स आ गए, वो मोबिलाइज हो गया, तो उसके बाद अपन को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखना होता है पेशेंट को 2 to 3 ईयर्स तक, ताकि उसका दोबारा से रिकरेंस ना हो जाए CDH का। यहाँ पर आता है उसके बाद एसिडबुलम रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। तो अपन ने यहाँ पर प्रिंसिपल पढ़े ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल, उसके बाद मेथड्स ऑफ रिडक्शन पढ़ा, मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन देखा, उसके बाद यहाँ पर आता है एसिडबुल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इसका प्रोसीजर। तो यहाँ पर अपन को 3 प्रोसीजर बताए गए हैं जो कि अपन CDH के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक तो है सेल्टर ऑस्टियोटॉमी, चेरिस पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटॉमी एंड पेम्बर्टन्स पेरी कैप्सुलर ऑस्टियोटॉमी। तो ये अपन को ठीक से समझना होगा, अगर आप नाम भी याद करोगे तो भी ठीक है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है तो आपको थोड़ा ठीक से समझना होगा। तो सेल्टर ऑस्टियोटॉमी है तो इसके अंदर क्या करना होता है ना, दिस इज एन ऑस्टियोटॉमी ऑफ द इलियक बोन अबव ऑफ द एसिटाबुलम। तो यहाँ पर जो इलियक बोन होती है ना उसकी ऑस्टियोटॉमी होती है, उसकी ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म की जाती है सेल्टर्स ऑस्टियोटॉमी में। ओके, तो जो कि एसिटाबुलम के ऊपर होता है, द रूफ ऑफ द एसिटाबुलम इज रोटेटेड विथ द फेल्क्रम एट द प्यूबिक सिम्फाइसिस सो डेट द एसिटाबुलम बिकम्स मोर हॉरिजोंटल एंड दस कवर्स द हेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा ना, क्या कर रहे हैं, जो एसिटाबुलम के रूफ को प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो फलक्रम के साथ रोटेट किया जाता है, इसके लिए आपको थोड़ी बायो मैकेनिक्स याद होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा रोटेट कर रहे हैं एसिटाबुलम को, रूफ ऑफ एसिटाबुलम को फलक्रम के साथ प्यूबिक सिम्फाइसिस से, सो डेट द एसिटाबुलम बिकम मोर हॉरिजॉन्टल, जिस कारण से क्या होता है ना, जो जो एसिटाबुलम होता है ना वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल आ जाता है और भी ज़्यादा, और जो कवर कर लेता है हेड को, फिर उसके फीमर के हेड को कवर कर लेता है, अपन को यही चाहिए। तो ये इस तरह से अपन सेल्डर ऑस्टियोटॉमी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेरिस पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटॉमी। तो इसके अंदर क्या करते हैं ना, द इलियक बोन इज डिवाइडेड ऑलमोस्ट ट्रांसवर्सली इमिडिएटली अबव द एसिटाबुलम एंड द लोअर फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड मीडियली, द मार्जिन ऑफ द अपर फ्रेगमेंट प्रोवाइड्स एडिशनल डेप्थ ऑफ द एसिटाबुलम। तो यहाँ पर ये भी एक तरह की ऑस्टियोटॉमी है जिसे जिसका नाम है चेरिस पेल्विक डिस्प्लेसमेंट ऑस्टियोटॉमी। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जो इलियक बोन होती है इलियक बोन को एसिटाबुलम के ठीक ऊपर लगभग ट्रांसवर्सली डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो डिवाइड कर दिया और लोअर फ्रेगमेंट को मीडियली डिस्प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है, तो फ्रेगमेंट को तो मीडियली डिस्प्लेस कर दिया और एसिटाबुलम को ट्रांसवर्सली यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, द मार्जिन ऑफ द अपर फ्रेगमेंट प्रोवाइड एसिनल सपोर्ट। जिस कारण से क्या होता है ना, जो उसका ये तो लोअर फ्रेगमेंट वाली बात होगी, तो यहाँ पर जो अपर फ्रेगमेंट होता है इसके मार्जिन का वो यहाँ पर डेप्थ, मतलब और भी ज़्यादा डेप्थ देता है एसिटाबुलम को, ठीक है, जिस कारण से उसका रिडक्शन अपन करेंगे तो ठीक से रहेगा। तो ये भी एक तरह की ऑस्टियोटॉमी थी। उसके बाद थर्ड वाली ऑस्टियोटॉमी आती है जिसका नाम है पेम्बर्टन्स पेरिकैप्सुलर ऑस्टियोटॉमी, द कर्व्ड ऑस्टियोटॉमी। कर्व्ड ऑस्टियोटॉमी, द रूफ ऑफ द एसिटाबुलम इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड ओवर द फीमोरल हेड विद द फल्क्रम एट द ट्री रेडिएट कार्टिलेज ऑफ द एसिटाबुलम। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसिटाबुलम की रूफ फीमोरल हेड के ऊपर नीचे की ओर झुकी हुई होती है, ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ झुकी हुई होती है और एसिटाबुलम के ट्री रेटेटेट कार्टिलेज पर फेकलम, वो भी फलक्रम के साथ होती है।
ठीक है। तो इस तरह से इसको भी परफॉर्म किया जाता है, इसका नाम है पेम्बरटन्स पेरिकैप्सुलर ऑस्टोटॉमी। तो ये थोड़ी अच्छे से समझने वाली बात है क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है रिकन्स्ट्रक्शन का, क्योंकि यहाँ पर अपन एसेटाबुलम को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि जो फीमर के हेड को वो अच्छे से अपने पास फिक्स रख सकें। तो इन सब में अपन एसेटाबुलम पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने तीन देखे, सेल्टस ऑस्टोटॉमी, चेरिस पेल्विस डिस्प्लेसमेंट ऑस्टोटॉमी एंड पेम्बरटन्स पेरिकैप्सुलर ऑस्टोटॉमी। लास्ट में आते हैं इसके ट्रीटमेंट प्लान। ओके, ट्रीटमेंट प्लान इसका लास्ट पॉइंट है। तो ट्रीटमेंट प्लान के अंदर अपन क्या देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज एट विच द पेशेंट प्रेजेंट। तो ट्रीटमेंट पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, पेशेंट के एज के अकॉर्डिंग ऊपर इसका ट्रीटमेंट प्लान सेट करते हैं। दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट के एज के बेसिस पे इसको फोर तरह से डिवाइड किया है। एक तो है बर्थ टू सिक्स मंथ, मतलब जच्चा जब उसका बर्थ हुआ है बर्थ से लेकर सिक्स मंथ तक, उसके बाद सिक्स मंथ से लेकर सिक्स ईयर तक, सिक्स टू टेन ईयर्स तक, एंड उसके बाद इलेवन ईयर ऑनवर्ड, फिर इलेवन ईयर के बाद, ठीक है। तो अपन इसको चार तरीके से चार ग्रुप्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप आता है इसका बर्थ टू सिक्स मंथ, बच्चे का बर्थ हुआ है उसके बाद से छः महीने के अंदर उसका क्या ट्रीटमेंट चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द फीमोरल हेड इज़ रिड्यूस्ड इनटू द एसेटाबुलम बाय क्लोज मैनिपुलेशन एंड मेंटेन्ड विथ प्लास्टर कास्ट एंड स्प्लिंट। तो अपन ने पहले देखा था कि रिडक्शन अपन किस तरह से करते हैं, रिडक्शन के अपन ने यहाँ पे मेथड्स देखे थे। तो इसका अपन रिडक्शन करेंगे फीमोरल हेड का एसेटाबुलम के अंदर क्लोज मैनिपुलेशन के साथ, ठीक है। क्लोज मैनिपुलेशन अपन ने देखा था कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने मान लो इसका सक्सेसफुली इसका रिडक्शन हो गया है फ्यूमर के हेड का, तो उसके बाद अपन इसको मेंटेन करेंगे प्लास्टर कार्ड से और स्प्रिंट से। ये भी अपन ने देखा था कि किस तरह से इसका मेंटेनेंस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया इसका रिडक्शन कर देंगे क्लोज मैनिपुलेशन के साथ, उसके बाद इसको मेंटेन करेंगे प्लास्टर कास्ट एंड स्प्लिंट के साथ बर्थ से लेकर सिक्स मंथ के अंदर के जो पेशेंट होते हैं ना उनके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है सिक्स मंथ्स टू सिक्स ईयर्स, छः महीने से लेकर सिक्स ईयर्स के बीच के बच्चों के अंदर क्या किया जाता है वाली बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट मे बी पॉसिबल अप टू टू ईयर टू रिड्यूस द हेड इन टू द एस्टेबुलम बाय क्लोज्ड मेथड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्लोज्ड मेथड से हेड को एसेटाबुलम में रिड्यूस करना टू ईयर तक ही पॉसिबल हो सकता है। अपन ने ये बात भी पहले देखी थी कि अपन टू ईयर के बाद करते हैं तो ठीक से नहीं हो पाता है, तो अपन को टू ईयर से पहले ही अपन को ये सब करना होता है, वहाँ पर रिमॉडलिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, छः यहाँ तो सिक्स ईयर लिखा है लेकिन टू ईयर से पहले अपन ये इसका रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर टू ईयर इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड आल्सो अनवाइज टू अटेम्प्ट क्लोज रिडक्शन। तो फिर टू ईयर्स के बाद करेंगे यहाँ पर, तो इसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टीज अपन को देखने को मिलेगी, तो अपन अवॉइड करना चाहिए अपन को टू ईयर्स के बाद किसी भी तरह का क्लोज रिडक्शन, मतलब दो ईयर से बड़े के बच्चों के अंदर। दिस इज़ बिकॉज वेन द हेड हैज़ बीन आउट फॉर सम टाइम द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड द हिप बिकम टाइट। उसके बाद यहाँ लिखा है सच अ हिप इज रिड्यूस्ड फोर्सिबल इनटू द एसेटाबुलम डेवलप एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फिमोरल हेड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पर शुरू से बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोज मेथड से हेड को एसेटाबुलम में रिड्यूस करना टू ईयर तक ही पॉसिबल हो सकता है, उसके बाद टू ईयर्स के बाद क्लोज रिडक्शन करना डिफ़िकल्ट और बिल्कुल ना समझी है, अपन को करना ही नहीं चाहिए। तो अगर मान लो इसका कारण यहाँ पर दिखाया हुआ है, मतलब इसका रीज़न क्या है वो यहाँ पर बताया हुआ है। इसका कारण ये है कि हेड कुछ टाइम के लिए बाहर रहता है तो हिप के अराउंड में सॉफ्ट टिश्यूज टाइट हो जाते हैं, क्योंकि टू ईयर्स तक का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है, अगर टू इयर्स के बाद तक भी उसका रिडक्शन नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो टाइट स्ट्रक्चर बन जाती है सॉफ्ट टिश्यूज की, जिस कारण से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अपन यहाँ पर फिर भी इसका ज़बरदस्ती अगर इसका रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ पर फीमोरल हेड में एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ रिड्यूस फोर्सिबली इनटू द एसेटाबुलम डेवलप्ड एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फीमोरल हेड। तो यहाँ पर फीमोरल हेड पे एवेस्कुलर नेक्रोसिस बन जाता है अगर अपन एसेटाबुलम पर ज़बरदस्ती इसका रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो सॉफ्ट टिश्यूज है अराउंड द हिप वो टाइट बन जाते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस रिडक्शन इज अचीव्ड बाय ओपन मेथड एंड एन रिडक्शन फेमोरल सॉर्टिंग में भी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इन केस में ओपन मेथड से रिडक्शन को अचीव किया जाता है और एक एडिशनल फेमोरल सॉर्टिंग की जरूरत हो सकती है, मतलब हो जाती है। इन ओल्डर चिल्ड्रंस एंड एसिटाबुलर रिकन्स्ट्रक्शन में भी परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम और लेटर सेल्टर ऑस्टोटोमी इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट केसेस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन ओल्डर चिल्ड्रंस, जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं ना उसके अंदर एसिटाबुलर रिकन्स्ट्रक्शन उसी टाइम या उसके बाद किया जा सकता है, ठीक है, मतलब अपन बाद में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अपन ने देखा कि वहाँ टाइटनिंग वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पर मोस्ट सर्जन सेल्टर ऑस्टियोटॉमी को यूज़ करते हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 6 to 8 ईयर्स, 6 ईयर्स से 10 ईयर्स के बच्चों के अंदर क्या किया जाता है, क्या किया जाएगा ट्रीटमेंट में। द फर्स्ट पॉइंट टू बी डिसाइड इन चिल्ड्रंस एट द एज इज वेट ईयर वेदर और नॉट टू ट्रीट इन डिसलोकेशन एट ऑल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एज में बच्चों में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। ऐसा नहीं है कि सारे कंडीशन में अपन यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दें, कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिसके अंदर अपन ट्रीटमेंट नहीं करते तो भी चल जाता है। नो ट्रीटमेंट में भी इंडिकेट फॉर चिल्ड्रंस विथ बाइलेटरल डिसलोकेशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। तो यहाँ पे ये क्या बताया हुआ है कि फॉलोइंग रीजन्स, यहाँ पे कुछ रीजन्स दिए हुए हैं। तो फॉलोइंग रीजन से बाइलेटरल डिसलोकेशन वाले बच्चों में कई बार ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से रीज़न है जिसके अंदर पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी ठीक है कि चल जाता है। द लिम्प इज लेस नोटिसिएबल, जो लिम्प होता है जब बच्चा वॉक करता है, जब वो लिम्प होता है अगर वो नोटिसिएबल कम है तो वहाँ पर अगर अपन ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है सेकेंड रीज़न है, वो है ऑल थ्रू हैविंग सम पोस्चर एंड गेट अबनॉर्मलिटीज दिस पेशेंट टेंड टू लाइव नॉर्मल लिव्स अंटिल देयर 40s to 50s। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सम पोस्चर एंड गेट अबनॉर्मलिटीज होने के बावजूद ये जो पेशेंट होते हैं वो 40 to 50 ईयर्स तक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। तो इसमें भी जरूरी नहीं है कि अपन उनका ट्रीटमेंट करें ही सही। रिजल्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट आर अनप्रिडिक्टेबल एंड अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन में भी रिक्वायर्ड। तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट जो होता है ना वो अनप्रिडिक्टेबल होता है और ऑपरेशन की सर्जरी रिक्वायर्ड हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड यूनिलेटरल केसेस अटेम्प्ट एट ओपन रिडक्शन विथ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द एस्टेबुलम में भी मेड। तो यहाँ पे यूनिलेटरल केस के बारे में बताया गया है कि यूनिलेटरल केस में एस्टेबुलम के रिकंस्ट्रक्शन के साथ ओपन रिडक्शन को अटेम्प किया जा सकता है। मोस्ट केस में डिटोरिएशन ऑस्टियोटॉमी की नीड हो सकती है। द डिटोरिएशन ऑस्टियोटॉमी इज नीडेड इन मोस्ट केसेस। तो कुछ केसेस के अंदर अपन यहाँ डिटोरिएशन ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आता है, लास्ट ग्रुप वो है 11 ईयर ऑनवर्ड, 11 साल से जो बच्चे बड़े होते हैं ना उनके बारे में। इंडिकेशंस फॉर ट्रीटमेंट इज दिस पेशेंट इज पेन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन पेशेंट में पेन का इंडिकेशन, मतलब इन पेशेंट में ट्रीटमेंट का इंडिकेशन पेन होता है। तो अपन को कैसे पता लगेगा, क्योंकि इन पेशेंट के अंदर पेन होगा जिससे अपन को उसकी डिजीज़ के ऊपर ध्यान जाएगा। इफ़ ओनली वन हिप इज़ अफेक्टेड अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट में भी प्रैक्टिकल वंस अडल्टहुड इज रीच्ड। सम टाइम ऑर्थोडेसिस ऑफ द हिप में भी रीजनेबल चॉइस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ओनली वन जो हिप है अगर वही अफेक्टेड है तो अडल्ट होने के बाद टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रैक्टिकल अपन कर सकते हैं। यहाँ मतलब टोटल हिप रिप्लेसमेंट यहाँ पर अपन बच्चे के अंदर कर सकते हैं, लेकिन और कभी कभी अपन यहाँ पर ट्रीटमेंट के अंदर ऑर्थोडेसिस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इनके ट्रीटमेंट की कौन सी एज अपन को किस तरह के ट्रीटमेंट करने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रीटमेंट प्लान फॉर कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो यहाँ पर पूरा सूट में बताया हुआ है, अपन ने जो भी पूरा ट्रीटमेंट पढ़ा उसके बारे में अगर अपन को ये याद होगा तो अपन ये पूरा अच्छे से लिख सकते हैं और काफ़ी ईजी है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं CDH, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। तो इसका ट्रीटमेंट
अपन देखेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि जो CDH है वो कब हुआ है, अपन को बर्थ के टाइम पता लग गया फिर थोड़ा लेट पता लगा है। अगर मान लो बर्थ के टाइम CDH और अपन उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्लोज रिडक्शन, क्योंकि अपन ने बात किया था ओपन रिडक्शन अपन बाद में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है क्लोज रिडक्शन की, तो अपन ने क्लोज रिडक्शन कर दिया बर्थ के टाइम बच्चे के अंदर CDH की कंडीशन में। अगर मान लो क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुली हो गया, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर मान लो हो जाता है ठीक से, तो अपन यहाँ पर उसको मेंटेन करेंगे कास्ट के साथ 3 मंथ्स तक, ठीक है। ये अपन देखा था क्लोज रिडक्शन करते, उसके बाद अपन मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कास्ट लगा दिया 3 महीने के लिए, अगर सक्सेसफुली रिडक्शन हो जाता है तो अपन वहाँ पे बेड्स भी दे सकते हैं, बेड्स देंगे। अगर बेड्स लगाने के बाद एसिटाबुलम डेवलप हो सकता है, या फिर जो एसिटाबुलम है वो डेवलप नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो एसिटाबुलम पूरा डाउन सेट के अंदर डेवलप हो गया है, तो अपन उसके बाद जो बेड्स है उसको रिमूव कर देंगे, रिमूव द बेड्स, ठीक है। उसके बाद अपन इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराएंगे पेशेंट की। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है, अगर ये तो हो गया कि अगर एसिटाबुलम डेवलप हो जाता है तो अपन रिमूव कर देंगे, अगर मान लो एसिटाबुलम डेवलप ही नहीं हुआ है तो अपन यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, एसिटाबुलर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर अपन देखा था कि क्लोज रिडक्शन अपन ने किया था, तो या तो ये सक्सेसफुली हो सकता है या फिर सक्सेसफुली नहीं हो सकता है। अगर ये फेल हो गया है क्लोज रिडक्शन, तो अपन यहाँ पर ट्रेक्शन दे के क्लोज इसका रिडक्शन करेंगे। तो क्लोज रिडक्शन करने के बाद भी फिर से वही बात आती है, अगर सक्सेसफुली हो जाता है या फिर सक्सेसफुली नहीं होता है। अगर मान लो सक्सेसफुली हो जाता है, तो अपन उसको मेंटेन करेंगे 3 मंथ्स के लिए, बेड्स लगा देंगे, फिर वापस वही कंडीशन यहाँ पर। अगर एसिटाबुलम डेवलप हो जाता है, तो अपन रिमूव कर देंगे बेड्स को, फिजियोथेरेपी करेंगे। अगर नॉट सक्सेसफुली होता है, तो अपन फिर से वही मेथड आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी दो हो जाता है, फिर नॉन वाले में अपन को यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये भी वाला अपन को यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुली नहीं होता है, तो अपन को यहाँ पर ओपन रिडक्शन करना पड़ेगा, एस्टेबुलर रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ सकता है, डिटोरिएशन ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म करनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर था लेटर, अगर अपन को लेट स्टेज में पता लगता है, तो अगर लेट स्टेज में अपन ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर क्लोज रिडक्शन करेंगे। यूजुअली नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता है वैसे तो, लेकिन फिर अपन एक बार ट्राई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अपन ओपन रिडक्शन करेंगे, अगर ये नहीं होता है तो। ओपन रिडक्शन करने के बाद अपन यहाँ पर एसिटेबुलर रिकन्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, डिटोरिएशन ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया CDH का ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है। तो काफ़ी ईजी था, एक बार और फिर देख लेते हैं कि सीरियस कंडीशन में एट बर्थ, बर्थ के टाइम और लेटर स्टेज में क्या ट्रीटमेंट होगा। अपन क्लोज रिडक्शन करेंगे, इसमें भी क्लोज रिडक्शन करेंगे। अगर क्लोज रिडक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, तो अपन मेंटेन करेंगे 3 मंथ्स के लिए, बेड्स लगा देंगे। अगर एसिटाबुलम डेवलप हो जाता है यहाँ पर, अगर एसिटाबुलम डेवलप हो जाता है तो रिमूव कर देंगे बेड्स को, उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। अगर एसिटाबुलम डेवलप नहीं होता है, तो अपन यहाँ पर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लो क्लोज रिडक्शन नहीं होता है ठीक से, तो यहाँ पर ट्रेक्शन देंगे, क्लोज रिडक्शन करेंगे, सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर से अपन ये वाला मेथड अप्लाई कर देंगे साइड में। और अगर मान लो नहीं होता है, तो अपन ये वाला करेंगे, ओपन रिडक्शन करेंगे, एसिटाबुलर रिकन्स्ट्रक्शन कर देंगे, ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म कर देंगे। और अगर लेटर के अंदर अपन क्लोज रिडक्शन करेंगे, अगर वो फेल हो जाता है, तो अपन यहाँ पर ओपन रिडक्शन करेंगे, एसिटाबुलर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, डिस्टोरिएशन ऑस्टियोटॉमी परफॉर्म करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन ने पूरा CDH पढ़ लिया है, इसके 2 पार्ट्स हैं। अगर आप इसका पहला पार्ट चाहिए, तो वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करोगे कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों। तो इसके अंदर अपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर अपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ रिडक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रिडक्शन, उसके बाद एसिटेबुलर रिकन्स्ट्रक्शन, ट्रीटमेंट प्लान। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी है, कि कभी कभी 16 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए अपन को CDH याद होना चाहिए कि CDH क्या होता है। तो अपन ने देख लिया कि CDH क्या होता है, किस तरह से इसका डिसलोकेशन हो जाता है, ये सब भी अपन ने पढ़ा था, कि किस तरह से मदर्स अपने बेबी को कैरी करती है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।